लैब में एक बड़ा सा लकड़ी का कुछ कुछ रखा रहता है, जिसमें कुछ कुछ लगा रहता है, जिससे कुछ कुछ करना पड़ता है, और ये कुछ कुछ हमसे होता नहीं है। अब वाइवा भी आ गया, प्रैक्टिकल भी आ गया। चलिए भाई, इस कुछ कुछ मतलब मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और वाइवा के क्वेश्चंस देखते हैं। यार देखो, सबसे पहले तो देख लो कि मीटर ब्रिज, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लो कि मीटर ब्रिज कैसा दिखता है। जिन्होंने देखा है बहुत सीरियस है, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास जिनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, वो मैं बीच बीच में डिस्कस करता रहूंगा तुमसे, तो इसीलिए ध्यान से सुनना और लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो पहले कर लो याद से, फिर मैं आगे बात करूंगा। अब आगे बात करें इसमें अपन, चलो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा हमारे पास, ये कॉपर की स्ट्रिप्स लगी रहती हैं। ये रेड सेक्शन तो हमने अलग से कनेक्ट करते हैं, बट ऐसी कुछ कॉपर की स्ट्रिप्स लगी रहती हैं। एक लकड़ी की बहुत बड़ी वुडन सी सेक्शन होती है, उसके ऊपर ये फिक्स होती हैं, और ये एक 1 meter लॉन्ग वायर होता है। क्योंकि हम इसमें 1 meter लॉन्ग वायर यूज करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। पहले को एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड अ मीटर ब्रिज, बिकॉज वी आर यूजिंग 1 meter लॉन्ग वायर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। नाउ कमिंग टू कि कनेक्शन कैसे करते हैं, भाई आंख बंद कर लो यार अब तो तुम इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो गैप है, एक गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगा दो, चलो एक काम करो लेफ्ट गैप में ही लगा दो, और राइट गैप में तुम रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो। अगर उल्टा कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें अल्टीमेटली आर चाहिए, वो आर हम निकाल लेंगे। मैं बताता हूं तुमको फॉर्मूला। तो एक गैप में अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा, एक गैप में हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स आ जाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स वो जिसमें बहुत सारी कीज लगी रहती हैं, तुम कुछ कुछ निकालते जाते हो, जो जो निकालते जाते हो वो सीरीज में रेजिस्टेंस आता चला जाता है। अब आ जाओ जरा जल्दी से बैटरी के कनेक्शन पे, यार बैटरी के कनेक्शन पे आ जाओ। तो अपन एक साइड पर पॉजिटिव लगा देंगे, एक साइड पर अपन नेगेटिव लगा देंगे। इसके बाद गैल्वेनोमीटर का एक एंड कनेक्ट करेंगे बीच में, जो सेंटर में नॉब लगी रहती है, और दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर का जॉकी से कनेक्ट होगा, जो कि हम अलग अलग पॉइंट पर टैप करेंगे। स्लाइड करते हो तो भाई उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलता है और प्रॉब्लम आती है, इसीलिए टैब करो जब तुम्हें लगे कि हाँ अब कुछ दो पॉइंट के बीच में मेरा डिफ्लेक्शन इधर से इधर हो गया, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में ही नल पॉइंट आएगा, तब थोड़ा स्लाइड करो, अदरवाइज अलग अलग पॉइंट पर टैप करो। बात समझ रहे हो? टच करके देखो, फिर टच करके देखो, फिर टच करके देखो, दो पॉइंट जिनके बीच में डायरेक्शन बदली उन दोनों के बीच में स्लाइड करोगे, एक्सपेरिमेंट जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये एक टिप तो ये हो गई। तो अब अपन देखें, जैसे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, अब आपसे ये पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो मीटर ब्रिज इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज? बिकॉज वी आर यूजिंग 1 meter लॉन्ग वायर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर? भाई गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या है? आंख बंद कर लोगे तो भी आंसर दे पाओगे, इसीलिए वहां पे घबराना नहीं एक्सटर्नल के सामने, ऐसा कुछ कुछ होने लग जाता है यार, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक्सटर्नल के सामने आराम से बताओ, सर बैलेंसिंग पॉइंट निकालना पड़ता है, जिस बैलेंस पॉइंट वो होता है, बैलेंसिंग लाइन वो होती है जिसमें इस सीडी सेक्शन से कोई करंट ना जाए, ये सीजे सेक्शन से कोई करंट ना जाए। अब इस सेक्शन से कोई करंट नहीं जाए तो हम कैसे एनालाइज करेंगे? तो उसके लिए हमने एक डिवाइस लगा दिया जो करंट को डिटेक्ट करता है। अब अगर इसमें सेंटर में ही रहेगा, इसका मतलब है कि करंट जो है वो जीरो है, इसमें डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा, मतलब करंट जीरो है। तो डिटेक्ट द जीरो डिफ्लेक्शन, और ये डिटेक्ट करना है कि ये बैलेंसिंग पॉइंट आया कि नहीं आया, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। इसके बाद सेंसिटिविटी ऑफ अ मीटर ब्रिज इज हाईएस्ट। भैया सेंसिटिविटी किसी भी चीज़ की हाईएस्ट होगी, हम नहीं कहते यार नॉर्मली अगर अपन देखें तो अपन कहते हैं ना जिस रेंज में हो या अपने अपने जैसे लोगों में रहा करो यार तो तुम ज़्यादा ग्रूम करोगे, वैसे ही यहाँ पर भी हो गया। अपने जैसे मतलब जो अननोन रेजिस्टेंस आप निकालने वाले हो, अगर आपका रेजिस्टेंस बॉक्स भी उसी के आसपास है, जैसे आपको आइडिया है कि 3 से 5 के बीच में आने वाला है आप अपना अननोन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बॉक्स भी आप उसी रेंज में रखते हो, तो जो आपका बैलेंसिंग लेंथ आती है वो सेंटर में आती है। सेंटर मतलब 40 से 60 के बीच में कहीं पे भी, एग्जैक्टली 50 नहीं निकालनी, टेंशन मत लो,
ठीक है। सो अगर आपने से कहा कि भाई 40 से 60 के बीच में अगर आती है तो उस केस में क्या होता है, रीडिंग बहुत अप्रोप्रिएट होती है, क्यों, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेज लगभग लगभग सेम है, तो उस समय हमारी रीडिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाती है, मतलब सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है हमारा गैल्वेनोमीटर, हमारा मीटर ब्रिज। इसीलिए ध्यान रखो, मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी तब सबसे ज्यादा होती है जब हमारा नल पॉइंट जो आता है, जो बैलेंसिंग लेंथ आती है, वो 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में आती है। बैलेंसिंग लेंथ कौन सी लेंथ होती है, ये क्वेश्चन बन गया। तो भाई जिस लेंथ पर जॉकी से ए सेक्शन से वो डिस्टेंस जिस पॉइंट पे जॉकी को टैप करने पर या टच करने पर वायर पर गैल्वेनोमीटर में से जो करंट होता है वो जीरो होता है, उस समय हमारा सर्किट बैलेंस में होता है, और उस समय जो ये लेंथ होती है हमारे पास, इस लेंथ को अपन कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। अब आ जाओ जरा जल्दी से, व्हाट हैपन इफ द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर चेंज, भैया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बैलेंसिंग पॉइंट को, अगर आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन बदलोगे नो चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ। तो इसीलिए इस बात को भी अच्छे से दिमाग में बिठा लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द वायर, आप कौन से मटेरियल को यूज कर रहे हो वायर के, भाई इसमें आप मैग्नीन को यूज करते हो, आप कॉन्स्टेंटन भी यूज करते हो, मैंने वहां लिखा नहीं है, आप कॉन्स्टेंटन भी यूज कर सकते हैं। तो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर हम लोग इसमें यूज करते हैं। सोर्सेज ऑफ एरर, एक एरर तो तुम्हारा ही है, तुम देख ही नहीं रहे हो, उधर एक्सटर्नल को देख के डरे जा रहे हो, तो ह्यूमन एरर आ गया। एक अपने पास क्या होता है, फॉल्टी एपरेटस मिल गया, भाई साथ वाले ने पहले ही उसका क्रियाक्रम कर दिया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, एक्चुअली में क्या होता है, कभी तुम देखना जो रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो इनके ऊपर रस्टिंग हो जाती है या इनके ऊपर कुछ कवर आ जाता है जिसकी वजह से इंसुलेशन हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, लैब टेक्नीशियंस जो होते हैं उसको रब करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि वो जो कोटिंग हुई है वो रिमूव हो जाए। तो कई बार आपके कनेक्शंस लूज होते हैं, एक रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है, आपका फॉल्टी एपरेटस होता है। तीसरा क्या होता है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेज। हम ये मानते हैं कि ये जो कॉपर की स्ट्रिप है इसका कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना, इट माइट पॉसिबल। जहां आप कनेक्शन करते हो, टाइट कनेक्शन कर रहे होते हो, वहां पर भी उस कॉन्टैक्ट पर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आता है। तो इसीलिए हमारी रीडिंग आसपास रहती है। तो ये हमारे कुछ सोर्सेज हैं जहां से एरर आता है। आप रीडिंग लेते टाइम अगर आप देख रहे हो कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, तो अगर आपका हेड जो है वो 90 डिग्री पर नहीं है, आप साइड से देख रहे हो, तो पैरालेक्स की वजह से आपको लग रहा है जीरो, बट वो जीरो नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे ह्यूमन एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आप इनकॉर्पोरेट कर देते हो, ठीक है। तो ये बात तो अपनी क्लियर हो गई, एक अपन को ये लॉजिक भी समझ में आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि बैलेंसिंग लेंथ L है, तो बताओ बैलेंस के टाइम पर क्या है, एक्सप्रेशन क्या है तुम्हारा, तो तुम्हें इतना याद रखना है, ये रेजिस्टेंस अपॉन इसकी बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बॉक्स अपॉन इसके नीचे की लेंथ। भाई जो ये साइड है इसके नीचे की लेंथ और ये रेजिस्टेंस है तो इसके नीचे की लेंथ का रेशियो इक्वल रहेगा, बात खत्म हो गई। अब यहां आर आ रहा है, ये एल है, तो ये आर बाय एल हो गया, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स, 100 माइनस एल है तो 100 माइनस एल। कोई कोई क्या करता है, इसको एल लिख देता है, इसको 100 माइनस एल लिख देता है। भाई टेंशन मत लो, तुम्हें बस इतना याद रखना है, ये रेजिस्टेंस इसके नीचे की लेंथ इज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन इसके नीचे की लेंथ, बात खत्म। इसके अलावा कोई बात नहीं करनी है हमको। तो यार ये भी हो गया तुम्हारे पास, इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस बनेंगे। अब परेशान करना है या पूछना है तो उसकी कोई लिमिट नहीं, मतलब इतने क्वेश्चंस हैं, अच्छा ऐसा, हाँ ये बना के एक्सप्रेशन बना के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यार, तो वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, है ना। बट ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे। इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, भाई आप इस मीटर ब्रिज का यूज करके और क्या मेजर कर सकते हो, तो आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। कैसे, रेजिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। अब आप क्या करोगे, वायर दिया होगा तो वायर की लेंथ तो स्केल से निकाल दोगे, उसका रेडियस निकाल लोगे या डायमीटर निकाल दोगे स्क्रू गेज से, तो तुम्हारे एरिया पता चल गया, लेंथ पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चल गया इससे, तो रेजिस्टिविटी भी आ जाएगी तुम्हारे पास। तो यार आपके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक और एक्सपेरिमेंट इससे बन सकता है कि प्रूफ करो सीरीज कॉम्बिनेशन का लॉ, कि R जो इक्विवेलेंट होगा सीरीज में R1 प्लस R2 होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक रेजिस्टेंस निकालो, R1 निकाल दो, फिर दूसरा लगाओ R2 निकाल दो, फिर तीसरा लगाओ R1 प्लस R2 निकाल दो, और प्रूफ कर दो एक्सपेरिमेंटली कि जो R1 प्लस R2 का इस फॉर्मूले से, इस मेथड से मेरी वैल्यू आ रही है, वो R1 और R2 के सम के सेम है, आसपास आएगी, ठीक है, ऐसे ही पैरेलल। तो अपने पास कितने हो गए लॉज,
4 एक्सपेरिमेंट हैं जो सिंपली आप सिर्फ मीटर ब्रिज से कर सकते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन के लॉ को प्रूव कर सकते हो, पैरेलल को प्रूव कर सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो अननोन और रेजिस्टिविटी। अल्टीमेटली आप हर बार एक ही चीज कर रहे हो और एक ही रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा इनोवेशन के साथ साथ। तो इसीलिए कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, 4 एक्सपेरिमेंट खत्म कर दिए अपन ने। और एक बात जो मैंने तुमसे कहा है कि अगर वो तुमसे ये कहे कि अगर रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, तो यार ऑब्वियसली एक बात बताओ, दोनों साइड के रेशियो सेम होने चाहिए ना। अब तुमने अगर रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो 100 माइनस एल को भी बढ़ना पड़ेगा, तभी तो रेशियो जो है वो आर बाय एल के क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो टुवर्ड्स ए शिफ्ट होगा, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा आपकी साइड से, समझ रहे हो, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को कम किया, तो आप अगर रेजिस्टेंस बॉक्स के लेंथ रेजिस्टेंस को कम कर रहे हो तो उसके नीचे वाली चीज भी तो कम होनी चाहिए ना, तभी तो रेशियो सेम रहेगा। इसका मतलब है ये कम होना चाहिए, मतलब बैलेंसिंग पॉइंट टुवर्ड्स बी शिफ्ट हो जाएगा। तो भाई कितना आसान है अपने लिए ये समझ पाना, ये कह पाना, ये कर पाना, मिनिमम 1 से 2 बार इस वीडियो को सुन लेना, शॉर्ट पॉइंट्स बना लेना, भैया इसके बाहर वायवा नहीं होने वाला, इसीलिए ध्यान से। तो भाई जल्दी से इसका तुम ले लो स्क्रीन शॉट। वापस तो भाई, और एक बात, अगर किसी को कमेंट सेक्शन नहीं दिख रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है कमेंट करने में, तो उसका रीज़न है कि आपने शायद अपनी एज उसमें कम मेंशन की हुई है यूट्यूब पर, क्योंकि उनकी जो नई पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग जो किड्स हैं उनको कमेंट सेक्शन अलाउ नहीं है। तो इसीलिए उसमें एज का जो चेंजेस हैं वो कर लो, आईडी बदलना हो तो आईडी बदल लो, तभी तुम कमेंट कर पाओगे। तो यार इतना तो हो गया, मीटर ब्रिज के 4 खत्म हो गए, पुराने वाले वीडियोस में अपन ने बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे अपन पोटेंशियोमीटर के लिए। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। बाबा जी की तरफ से इतना ही, जय हो।